क्वारंटीन में रह रहे के हम सब के अंदर जागा है एक शेफ, मास्टर शेफ, लेट्स से दैट। पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ कुकिंग। जो भी जो घर में पक रहा है फोटो पहले डल रही है। अभी मैं कल देखी थी किसी ने भिंडी बनाई, भिंडी की तस्वीर लगा दो। मूंग की दाल, मूंग की दाल की तस्वीर है। आलू गोश्त जो हमारे घर के सिंपल खाना है उसकी तस्वीर है। हर कोई कुक बना हुआ है, हर कोई नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो फैशन ब्लॉगर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, मगर कुछ ऐसे फैशन ब्लॉगर्स हैं जो सिर्फ फैशन कवर करते थे, वो भी बेचारे दही से मीठे बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मीठे बना रहे हैं। एंड गुड फॉर देम, वो भी बेचारे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। क्या करें, मैं भी कंटेंट ब्लॉगर हूँ, कंटेंट में कुछ और है ही नहीं, बंदा खाना ही बना बना के डालता है। कुछ तो कंटेंट करना होता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दीज कंडीशंस। कंटेंट जमा करना आसान नहीं है क्योंकि कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है। अब घर में बैठ के सबको इंगेज करना, फॉलोअर्स को, इज़ नॉट ईजी। तो हमारे अंदर, सबके अंदर एक ना एक शेफ निकला हुआ है। बच्चे बोर हो के सिर्फ ब्राउनीज़ बना रहे हैं, कपकेक्स ब्राउनीज़। मेरा जो अपना बजट था मक्खन का, मैदे का, चीनी का, बस्ट हो चुका है। एक हफ्ते में हमने सारे ब्राउनीज ट्राई कर लिए, फज ब्राउनीज, गुई ब्राउनीज, एसेट्रा एसेट्रा। तो हमारे अंदर, सबके अंदर एक शेफ है, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। ऑल वी आर डूइंग दीज डेज इज हम सिर्फ सो रहे हैं और खा रहे हैं और सो रहे हैं और खा रहे हैं। ज़िंदगी में मेरे ख्याल से इस वक्त खाने और सोने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। लेट्स होप दैट दिस क्वारंटाइन एंड सून and we all can resume our normal lifestyle. Until then, take care of yourself and each other.